एवरी वन, टैरट विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए पेंडुलम रीडिंग लेकर आई हूँ और पेंडुलम से हम देखेंगे कि आपके पर्सन और आपके बीच में अगर कोई भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो वो क्या एक्शन लेने वाले हैं। वो आपकी तरफ पॉजिटिव एक्शन लेंगे या आपकी तरफ नेगेटिव एक्शन लेंगे, ये आज हम देखने की कोशिश करेंगे। सो रैंडमली मैं लूँगी टू कार्ड्स, मुझे भी नहीं पता होंगे कि कार्ड कौन से हैं और क्या जवाब मिलने वाला है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, क्या एक्शन होगा मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की तरफ से, मेरे व्यूवर्स की तरफ पॉजिटिव एक्शन होगा या नेगेटिव एक्शन होगा। दिस इज़ वन कार्ड, मैं फिर से करूँगी क्योंकि दो कार्ड आ गए थे। पॉजिटिव एक्शन होगा या नेगेटिव एक्शन होगा, दिस इज़ वन कार्ड एंड दिस इज़ सेकेंड कार्ड। ठीक, मुझे भी नहीं पता कार्ड्स कौन से हैं, लेट्स चेक क्या एक्शन होने वाला है एंजल्स मेरे व्यूवर्स की तरफ। आपके पर्सन क्या एक्शन लेने वाले हैं, क्या आपको चूज़ करेंगे मेरे व्यूवर्स को या थर्ड पार्टी को चूज़ करेंगे। जिसकी तरफ एनर्जी का फ्लो ज़्यादा होगा हम उसी कार्ड को लेंगे। मुझे फर्स्ट कार्ड में एनर्जी का फ्लो ज़्यादा फील हो रहा है, बट देखते हैं। एनर्जी का फ्लो ज़्यादातर फर्स्ट कार्ड की तरफ है इस कार्ड पे। हैंग्ड मैन एंड सेकेंड जो कार्ड है वो है फोर ऑफ पेंटिकल्स। तो आपके पर्सन अभी कोई भी एक्शन नहीं लेने वाले हैं, ये आपको लेकर पॉजिटिव ज़रूर हैं, प्रोटेक्टिव ज़रूर हैं, लेकिन ये अभी तक आपसे मूव ऑन भी नहीं कर पाए हैं और आपकी तरफ कोई एक्शन भी नहीं ले पाए हैं। स्टक सिचुएशन है यहाँ पर। इन दोनों कार्ड्स के अकॉर्डिंग अगर मैं बताऊँ तो आपके पर्सन ना आपको छोड़ना चाहते हैं और ना आपके लिए कोई कमिटमेंट लेने वाले हैं। तो इमीडिएट एक्शन में ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। अब इसे हम क्लैरिफाई करेंगे। प्लीज़ क्लैरिफाई करें एंजल्स, आने वाले समय में अगर ये अभी स्टक हैं किसी सिचुएशन में, अभी कोई एक्शन नहीं भी ले सकते हैं, तो क्या आने वाले फ्यूचर में कोई एक्शन लेंगे आपकी तरफ मेरे व्यूवर्स की तरफ। जो भी फ्यूचर में एक्शन लेंगे वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। प्लीज़ गाइड कर एंजल्स, फ्यूचर में जो एक्शन लेंगे वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। मेरे व्यूवर्स को क्या होप रखनी चाहिए। मुझे एनर्जी का फ्लो लेफ्ट साइड में ज़्यादा फील हो रहा है, दिस वन। एस ऑफ सोर्ड्स, सेवन ऑफ सोर्ड्स, अगर ये कार्ड आता तो आपके पर्सन आपको धोखा दे देते, आपको चीट कर देते, पीछे हट जाते, झूठ बोल देते, बैकआउट कर लेते। इस कार्ड का मीनिंग है यस, आपके पर्सन आपके साथ आगे बढ़ेंगे, चाहे सिचुएशन जैसी भी हो ये आपको चूज़ करेंगे, आपके साथ सक्सेसफुल फ्यूचर देख रहे हैं आपके पर्सन। अभी एक्शन नहीं ले पा रहे हैं बट आने वाले समय में ये आपके साथ आगे बढ़ेंगे। सो ये थी आज की रीडिंग, होप आपको इस रीडिंग से कुछ ना कुछ क्लैरिटी ज़रूर मिली होगी। और अगर इस तरह की रीडिंग आपको अच्छी लगती है, आपको कुछ क्लैरिटी मिली हो इस रीडिंग से, तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय।